वेलकम बैक टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड रियलिटी। वेल फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट तृप्ति एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस शो बॉलीवुड्स बेबो वन एंड ओनली करीना कपूर खान, एक्ट्रेस हु इज कम बैक, हु इज गोइंग टू कम बैक विद वीरे द वेडिंग फिल्म आफ्टर 2 years ऑफ लॉन्ग गैप। यू नो करीना कपूर खान, जी हाँ, करीना कपूर खान जो बी टाउन की बेबो है, बी टाउन की सबसे बिंदास एक्ट्रेस है। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको बता दूं, आज हम बॉलीवुड रियलिटी में बी टाउन की बिंदास एक्ट्रेस करीना कपूर खान के उस खास झलक से आपको रूबरू कराएंगे जो अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग में वो दिखाने वाली है। जी हाँ, हॉट बिकनी अवतार में नजर आई है करीना कपूर खान अपनी को स्टार सोनम कपूर के साथ, स्वरा भास्कर के साथ, साथ में नजर आई है वो शिखा के साथ। हॉट बिकनी अवतार, बिन कपड़ों के सिर्फ और सिर्फ बिकनी में हॉट पोज देती हुई करीना कितनी लाजवाब लग रही है, हम आपको बताएंगे अपने प्रोग्राम में इसी के साथ। हम बात करेंगे उनके नन्हे नवाब तैमूर अली खान पटौदी के बारे में, जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहद हसीन लम्हे साल भर के अंदर गुजारे और फिर इन फिल्मों की तरफ अपना शुरुआत कर लिया। हम आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि वीरे दी वेडिंग फिल्म के लीड एक्टर जो सुमित व्यास हैं, जिनके साथ करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर के जन्म के बाद पर्दे पर शादी का सीन देती नजर आएंगी, उनकी पत्नी के रोल में नजर आएंगी। देखना होगा आखिर उन्होंने क्या कहा है हाल ही के एक इंटरव्यू के दौरान करीना को लेकर, साथ में अपनी फिल्मों को लेकर। तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करीना कपूर खान को अब तक आपने बेबो के नाम से खूब चर्चा में रहते देखा होगा, लेकिन क्या आपको ये बात पता है, बेबो अपने चुलबुले अवतार के बाद पूरी तरह से तैयार हो चुकी है अपने बोल्ड अवतार से लोगों को कायल करने के लिए। अगर आप इस बात से अनजान हैं तो चलिए आपको बताते हैं, अपने उन खबरों की तरफ ले जाते हैं आपको जिसमें करीना का न्यू हॉट एंड बोल्ड अवतार सामने आ चुका है। तस्वीरों पर अगर आप गौर करेंगे तो ये तस्वीरें हैं उनकी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग के लुक से जुड़ी हुई। सही सुना आपने, उनकी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग जो 2 साल बाद करीना के नए कमबैक का नतीजा है, उस बोल्ड अंदाज में करीना कपूर खान नजर आई है लाइट कलर के बिकनी को फ्लॉन करते हुए। बिकनी बॉडी में करीना ने अपने फिटनेस अवतार को फ्लॉन किया है, जिन्होंने लगभग 2 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार खुद को सबसे फिट साबित कर दिया है। इससे पहले हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में ये भी बता दें कि करीना कपूर खान जो बिकनी बॉडी फ्लॉन करती नजर आई है, उसमें उनके साथ साथ शिखा, स्वरा भास्कर और सोनम कपूर भी है जो उनके साथ फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आएंगी। अरे वाह भाई, अब नन्हे नवाब यानी कि पटौदी खानदान के छोटे बेटे, प्यारे से पॉपुलर किड स्टार करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान भी गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर चुके हैं। वेल, ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। इन्हें देखकर तो यही लगता है मानो वो अपनी मामा करीना नहीं बल्कि अपने डैडी सैफ अली खान से अभी से ही छोटी सी उम्र से ही काफी कुछ सीख ले रहे हैं। अगर डैड पर नहीं तो बिल्कुल अपने मामू जान यानी कि बॉलीवुड की कैसनोवा कहलाने वाले रणबीर कपूर पर ही गए हैं तैमूर। वैसे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर तैमूर को लेकर तमाम ऐसी फोटोज सामने आती है ये बताते हुए कि भाई ये कहीं तैमूर की गर्लफ्रेंड तो नहीं। फैंस का ये मस्ती मजाक करना तैमूर की फोटो को लेकर, भाई उनके लिए प्यार ही तो है। लेकिन इसके अलावा हाल ही में तैमूर की गर्लफ्रेंड को लेकर ऐसी खबर छाप दी गई जिसमें तैमूर अपने प्ले स्कूल ज्वाइन करने के बाद अपने साथ मौजूद एक प्यारी सी बच्ची के साथ बात करते नजर आए थे, जो उन्हीं की तरह मासूम और नटखट दिख रही थी। जी हाँ, अपनी नानी की गोद में तैमूर कुछ इशारे करते नजर आए थे एक बेबी गर्ल की तरफ, जो अपने हाथों से उन्हें हैंडशेक करने के लिए बुला रहे थे पास। जी हाँ, अपने नन्हे नवाब तैमूर अली खान पटौदी के जन्म के बाद करीना कपूर खान ने जिनसे शादी का फैसला इस साल लिया है वो पर्दे की उनकी कहानी है। जी हाँ, बात करें हम उनकी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग की, जिसमें एक्टर सुमित व्यास की पत्नी बनने वाली होंगी करीना, पर उनकी शादी की है पूरी कहानी जिसे लेकर हाल ही में सुमित व्यास खुद भी बात करते नजर आ। दरअसल फैंटॉम टीम की तरफ से होस्ट किया गया स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग ऑफ हाईजैक, जहां पर वीरे दी वेडिंग के एक्टर सुमित व्यास ने अपनी रियल पत्नी करीना के बारे में भी बातें कही। तो आइए हम आपको सुनाते हैं क्या क्या कहा है सुमित व्यास ने।
सर क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, जैसा आप पोस्टर में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही रहा अनुभव। बहुत मज़े किए फिल्म बनाते समय, मज़ेदार फिल्म है और आई होप कि देखने में भी उतना ही मज़ा आए सबको। आप लोग देखिए, बताइए कैसा लगता है। उम्मीदें क्या हैं लोगों से आपकी और किस हिसाब से आपने तैयारी की थी इस फिल्म के दौरान? उम्मीदें तो ये हैं कि लोग आए देखें और लोग मज़े करें। पिक्चर बनाई थी एंटरटेनमेंट के लिए, कोई ऐसा कोई मैसेज या किसी को कुछ समझाना नहीं है हमको। हम चाहते थे कि लोग आएँ और हंस के जाएँ, तो यही उम्मीद है फिल्म से। और तैयारी भी इसकी ऐसी की थी कि बहुत मज़े किए हमने फिल्म की रीडिंग जब की, जब आकर्ष ने लिखी, जब उसके रिहर्सल्स किए, तो कोशिश ये थी कि सीरियसली बनाए और मज़ेदार बनाए। आपने बहुत अहम बात कही, सीरियसली बनाए पर मज़ेदार बनाए। फिल्म के दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ है जो शेयर करना चाहिए, जो कॉमेडी था आपके लिए या कुछ? रोज़ ही ऐसे वाक्य होते थे जो कॉमेडी थे। आकर्ष खुराना जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बड़े मज़ेदार इंसान हैं। सब एक्टर्स को इतनी आज़ादी देते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करें, अपने हिसाब से सीन करें, और कई बार तो वो कट बोलते ही नहीं थे, तो सीन ख़त्म होने के बाद भी हम कुछ कुछ मस्ती करते जा रहे हैं और वो कई बार उठ के चले जाते थे कि हाँ हम करते रहो। आई थिंक दी ऑडियंस इज गोना गेट रियली हाई ऑन दी एंटरटेनमेंट क्वेश्चन। That was the intention of making a stoner comedy, so I hope that they have a good time. This film also went through a lot of delays in between, so what was your feeling? Nervousness. Will it ever come out? But it did, so I'm very very glad, and it's gotten a UA certificate. So I'm very very thankful to the censors. They saw the film and they saw it for what it is, and they thought that it's an entertaining film, and एंड दे सेड कि मज़ेदार पिक्चर है, दिखाओ सबको, मज़ा आएगा सबको। सब आ गए हैं। यस यस यस, द रिस्पॉन्स टू वीरे इज एक्सेप्शनल, इट्स बियॉन्ड वॉट वी थॉट। द सॉन्ग्स वर ऑलवेज गुड, आई मीन वी वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सॉन्ग्स बिकॉज वी डांस इवन वेन दे स्टॉप रोलिंग। सो and yeah, I mean I took some really serious dancing lessons because I was dancing with some legends. So yeah, I'm very excited. My personal favorite is that Bhangra number that is happening. There is one another song called Puppy Lelu, it's a crazy song, and I love Tarifa, it's playing in my car every day. तो clash कहाँ होगा, वो तो अच्छा है, healthy competition बचपन से चलता है भाई बहन में। And again, these are two very different films, you know, so they have a different audience. Bhavesh Joshi being a very thriller, entertainment kind of film. Veere is a more celebration kind of film. So I think the audience will get a variety on that day. So I hope they do both do well. And I wish Harshvardhan also all the best. I hope he does well. And last question, how was it working with No, not at all. He didn't come on the sets, and I'm glad he didn't because it's very chaotic on the sets. It's not meant for kids. But it was lovely shooting with her. She's a thorough professional. She's an absolute superstar. And on the sets, she's so present. She's very well prepared for everything. So it was indeed a pleasure. No, because I had shot for Hijack before, na? So I was still high. Thank you. ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड रियलिटी, जहां हमने आपको बताया बी टाउन की बेबो नवाब की बेहद ही खूबसूरत बेगम, जी हां नवाब सैफ अली खान की खूबसूरत बेगम करीना कपूर खान के बारे में। बी टाउन की बेहद खूबसूरत अदाकारा करीना, जो बिंदास होने के साथ साथ बोल्ड होने के साथ साथ अपने करियर को डिमांड में रखती है, जी हाँ डिमांडिंग एक्ट्रेस, जिन्होंने बॉलीवुड के सुपर स्टार से लेकर यंग स्टार्स के साथ काम किया है, जिन्होंने दो दशक में ही, जी हाँ सिर्फ दो दशक के अनकम समय में ही अपनी करियर को ज़बरदस्त ऊंचा दिया है।
हम आपको बता चुके हैं करीना की अपकमिंग मूवी यानी कि वीर द वेडिंग को लेकर सुमित व्यास ने क्या क्या कहा। साथ में हमने आपको दिखाया बी टाउन की बिकनी बेबी यानी कि करीना कपूर खान के बोल्ड लुक के बारे में। तो दोस्तों अब वक्त आ चला आज इस प्रोग्राम का यही दिन करने का। आज बी टाउन की फेवरेट एक्ट्रेस फेवरेट बेबो से जुड़ी खबरों के लिए आज हम आपको दिखा चुके हैं स्पेशल रिपोर्ट्स, लेकिन फिर लौटेंगे इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर कुछ ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए, जिसके लिए आप जुड़े हैं हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। लेकिन हाँ, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।